आदि पुरुष विवाद के बाद राजधानी शहर काठमांडू और पोखर में सभी भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बावजूद ऐतिहासिक अशुद्धियों के कारण दर्शक फिल्म से निराश हैं। फिल्म का कड़ा विरोध करने वाला एक ऐसा देश नेपाल है, जिस हद तक राजधानी शहर काठमांडू और पोखर के मेयर ने देश में सभी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकने का फैसला किया। यह भारतीय फिल्म योग और नेपाल बॉक्स ऑफिस दोनों के लिए हानिकारक होगा। श्री शाह द्वारा आदि पुरुष के भारतीय निर्माताओं को एक सख्त अल्टीमेट दिए जाने के 3 दिन बाद यह फैसला आया, जिसमें उनसे इस हिस्से को काटने या बदलने का आग्रह किया गया था। जहां एक स्वांद में सीता को भारत की बेटी के रूप में दर्शाया गया। 3 दिन पहले हमने आह्वान किया था कि आदि पुरुष के निर्माताओं ने जानकी एक भारतीय महिला के रूप में दिखाने वाली जनक खंड को हटा दिया जाए। नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा सभी नेपाल सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नेपाली नागरिकों का पहला कर्तव्य है। काठमांडू नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी भारतीय फिल्म को तब तक प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि फिल्म से इस अपरजनक हिस्से को हटा दिया नहीं जाता। नेपाल महाकाव्य रामायण की नायिका सीता से अपने संबंध में खुद को बंधित महसूस करता है। नेपाल में जनकपुर को सीता का घर माना जाता है, जहां उनके पिता राजा जनक का राज था। अपनी जड़ों के कारण सीता को जनक की पुत्री जानकी के नाम से भी जाना जाता है। मेयर का मानना था कि इन फिल्मों में प्रदर्शन से देश की राष्ट्रीय और संस्कृति पहचान को नुकसान होगा। अगर फिल्म को जस तक दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि नेपाल की राष्ट्रीय संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय पहचान को गंभीर नुकसान होगा और अपूर्णीय क्षति होगी। उस फिल्म से नेपाल पर संस्कृत अतिक्रमण के कारण इस महानगरी शहर ने गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया है, महापौर ने कहा। शाह चाहते थे कि विवाद को नेपाल के बाहर भी हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्री परिषद, विदेश मंत्रालय और फिल्म विकास बोर्ड को एक पत्र भेजकर सरकार से स्वांद को हटाने के लिए भारत के साथ गंभीर पहल करने का आग्रह किया। फिल्म का घरेलू बाजार भी। इसका कारण यह है कि शाह को लगा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भारत की ओर से संस्कृति अतिक्रमण है। भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक भारत में सभी अपजनिक स्वांद नहीं हटाए जाते। आदि पुरुष के लिए चीजें धूमिल दिखती हैं, क्योंकि इस विवाद के कारण फिल्म में एक प्रमुख बाजार खो दिया है और फिल्म का आम तौर पर नकारात्मक स्वागत शहर इससे एक स्थित भविष्य के लिए पैर नहीं होगा। फिल्म के निर्देश ओम रावत और स्वांद लेखक मनोज मुत्तीश्वर महाकाव्य का शानदार करने के लिए महिला पत्रों का यौन शोषण करने और भगवान हनुमान को टपोरी स्वांद देने के कारण इंटरनेट पर आग बबूला हो गया है। इस तरह के आरोपों के साथ आने वाले दिनों में फिल्म के लिए जनता का समर्थक निश्चित रूप से घटेगा। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज के साथ। धन्यवाद। आदि पुरुष विवाद के बाद राजधानी शहर काठमांडू और पोखर में सभी भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के शानदार ओपनिंग वीकेंड के बावजूद ऐतिहासिक अशुद्धियों के कारण दर्शक फिल्म से निराश हैं। फिल्म का कड़ा विरोध करने वाला एक ऐसा देश नेपाल है, जिस हद तक राजधानी शहर काठमांडू और पोखर के मेयर ने देश में सभी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकने का फैसला किया। यह भारतीय फिल्म योग और नेपाल बॉक्स ऑफिस दोनों के लिए हानिकारक होगा। श्री शाह द्वारा आदि पुरुष के भारतीय निर्माताओं को एक सख्त अल्टीमेट दिए जाने के 3 दिन बाद यह फैसला आया, जिसमें उनसे इस हिस्से को काटने या बदलने का आग्रह किया गया था। जहां एक स्वांद में सीता को भारत की बेटी के रूप में दर्शाया गया। 3 दिन पहले हमने आह्वान किया था कि आदि पुरुष के निर्माताओं ने जानकी एक भारतीय महिला के रूप में दिखाने वाली जनक खंड को हटा दिया जाए। नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा सभी नेपाल सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नेपाली नागरिकों का पहला कर्तव्य है। काठमांडू नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी भारतीय फिल्म को तब तक प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि फिल्म से इस अपरजनक हिस्से को हटा दिया नहीं जाता। नेपाल महाकाव्य रामायण की नायिका सीता से अपने संबंध में खुद को बंधित महसूस करता है। नेपाल में जनकपुर को सीता का घर माना जाता है, जहां उनके पिता राजा जनक का राज था। अपनी जड़ों के कारण सीता को जनक की पुत्री जानकी के नाम से भी जाना जाता।
जाता है। मेयर का मानना था कि इन फिल्मों में प्रदर्शन से देश की राष्ट्रीय और संस्कृति पहचान को नुकसान होगा। अगर फिल्म को जस तक दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि नेपाल की राष्ट्रीय संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय पहचान को गंभीर नुकसान होगा और अपूर्णीय क्षति होगी। उस फिल्म से नेपाल पर संस्कृत अतिक्रमण के कारण इस महानगरीय शहर ने गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया है, महापौर ने कहा। शाह चाहते थे कि विवाद को नेपाल के बाहर भी हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्री परिषद, विदेश मंत्रालय और फिल्म विकास बोर्ड को एक पत्र भेजकर सरकार से स्वांत को हटाने के लिए भारत के साथ गंभीर पहल करने का आग्रह किया। फिल्म का घरेलू बाजार, इसका कारण यह है कि शाह को लगा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भारत की ओर से संस्कृति अतिक्रमण है। भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक भारत में सभी अपजनिक स्वांत नहीं हटाए जाते। आदि पुरुष के लिए चीजें धूमिल दिखती हैं क्योंकि इस विवाद के कारण फिल्म में एक प्रमुख बाजार खो दिया है और फिल्म का आम तौर पर नकारात्मक स्वागत शहर इससे एक स्थित भविष्य के लिए पैर नहीं होगा। फिल्म के निर्देश ओम रावत और स्वांद लेखक मनोज मुत्तीश्वर महाकाव्य का शानदार करने के लिए महिला पत्रों का यौन शोषण करने और भगवान हनुमान को टपोरी स्वांद देने के कारण इंटरनेट पर आग बबूला हो गया है। इस तरह के आरोपों के साथ आने वाले दिनों में फिल्म के लिए जनता का समर्थक निश्चित रूप से घटेगा। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा अपडेट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।